अप्रैल लगाकर आ जाए आप लाओ स्टाफ कौन है वो इसी तर्ज पे हमारे चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर डॉक्टर गुलाम लोन साहब इसी तर्ज पे काबिल है और वो इसी इसी चीज पे अपना पूरा देना चाहता हूँ मैंने एस्टेब्लिश करके अब मेरे पास आज तकरीबन तीन बंदे जो कंट्री शानदार हैं अपने आप में एक बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन मैं कहूँगा। इन्होंने पिकअप कर लिया अपने हिसाब से कि कैसे हमने करना है तो बाकी इनकी टीम जो है वो भी जो है अच्छा काम कर रही है। जहाँ तक ताल्लुक है इस एनिमल हस्बेंड्री महकमे का देखिए ये यूटी ऑफ जम्मू और कश्मीर का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो HADP है जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जिसके अंदर एक डेयरी सेक्टर का प्रोजेक्ट है उसके दायरे के अंदर जो है पूरे जम्मू कश्मीर के हर ज़िले में ये स्कीमें जो हैं अमलाई जा रही हैं और जिसमें कि मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है क्वालिटी मिल्क प्रोडक्शन और साथ में उसका प्रोसेसिंग पे काम किया जा रहा है। इसमें अलग अलग स्कीम्स जो हैं वो बेरोज़गार पढ़े लिखे यूथ को दी जा रही हैं और आज इन यूथ से इंटरेक्शन करके बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि जो ये एनिमल हस्बेंड्री महकमे की अलग अलग स्कीमें हैं और ख़ास करके HADP की जो स्कीमें हैं वो ज़मीन पर इम्प्लीमेंट हो रही हैं और बेरोजगार यूथ इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और डेयरी सेक्टर जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और रोज़गार अपना कमा रहे हैं। और एक नौजवान जो हमसे मिला है जिसने अपना बताया है सक्सेस स्टोरी कि मैं सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ रहा था पर साल डेढ़ साल पहले मेरे को जब डिपार्टमेंट ने महकमे के अफसरों ने खास करके CHO साहब जो हैं बांडीपुरा के इन्होंने गाइड किया तो मैंने वो छोड़ के डेयरी सेक्टर की स्कीम को अपना लिया और डेयरी सेक्टर की स्कीम को अपना के अभी मैं एक हीफर यूनिट बना रहा हूँ जिसमें कि बछड़ों को पाला जाएगा 40-50 बछड़े ये पालेगा और वो महकमा इन्हीं से खरीदेगा। एक नई शुरुआत की है महकमे ने कि हीफर यूनिट का मतलब ये हुआ कि पहले हम जो जानवर थे पंजाब हरियाणा राजस्थान से लाते थे अब हम अपने जानवर खुद पैदा करने जा रहे हैं और वो जानवर जो हैं हमारी महकमे के ज़रिए जो है बाकी आवाम को बाकी बेरोज़गारों को दिए जाएंगे और दूध की अच्छी क्वालिटी की पैदावार होगी और मिल्क प्रोसेसिंग पर भी हम काम कर रहे हैं अभी।